जो बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हो वहाँ पे, वो यह सब पता हूँ, वहीं से आए हैं। तीन हजार 100 मीटर ऊपर चढ़े यार, मज़ा आ रहा है। केवल कार कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलियन, नॉट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रियन कंपनी है, क्वाइट सेफ, बट स्टिल फिर भी डर लगता है यार ऊंचाई से। अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं यार इतना ऊपर चढ़ने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट किया तब भी। देखिए इन लोगों के पास अपना टावर है या नेटवर्क के लिए। 8 Fold Noble Truth, नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर कर रहे हैं, तो यहाँ जाइए दोस्तों, आपको मज़ा ही आ जाएगा भाई, आपको मज़ा ही आ जाएगा। अपने नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे बहुत सारे पहाड़ है यार, बस इन्वेस्ट करो। बहुत ही मज़ा आ रहा है, सही है यार, गजब का। जितना ऊपर चढ़ रहा है उतना ठंड लग रहा है यार। अच्छा है कि आज हवा नहीं है यार, नहीं तो बहुत हवा रहती है, हमारा केवल का हिलने लग जाते नहीं। वीडियो बनाओ। बहुत सारे इंडियंस अलग अलग देश से आए हुए लोग हैं, अलग अलग जगह से फोटो शूट वीडियो सब बना रहे हैं। आओ देखिए भाई लोग, अपना सापा देखिए एकदम वहाँ पे, अपना सापा हम वैसे आए, कितना ऊपर चढ़े। और चढ़ना है यहाँ पर, काफी ऊपर चढ़ना है। यहाँ से जाएंगे तो बुद्धा स्टैचू दिख रहा है, और इधर में पता नहीं क्या बने हैं। इतना चढ़ने के बाद भाई साहब देखिए, भाई लोग देखिए, इतना चढ़ने के बाद फिर चढ़ना है ऊपर, वो वाला ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, मुझे लगता है वो आखिरी है, वहाँ तक चढ़ना है। लोग अभी भी चढ़ रहे, आ रहे, जा रहे हैं। वाह, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, इतना चढ़ना पड़ेगा। देखिए देखिए यार कैसे बनाए सीढ़ियाँ, चढ़ना पड़ेगा भाई साहब आप लोगों के लिए, खास अच्छा दिखाने के लिए। आज है बुद्ध पूर्णिमा, हर जगह बुद्धिस्ट फ्लैग लगे हुए हैं, और अपना बुद्ध का जो स्टैचू है सामने देख सकते हो, जो कि काफ़ी चाइनीज लग रहा है। पत्थरों से बनाए हुए हैं, कोई उतना चांस नहीं है स्लिप करने का, आप देख सकते हो। जाओ, ओ चढ़ेंगे चढ़ेंगे यार, चढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। बहुत सारे चाइनीज मूवी में देखे होंगे आपने इस तरह का नज़ारा, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ वियतनाम से, जो कि एकदम चाइनीज बॉर्डर में है, जिसका नाम सापा है, फैंसी फन इसको बोलते हैं। केवल कार से आए, फिर पैदल चलने लगे, बस भी है, बस सर्विस नो, ट्रेन सर्विस है, लेकिन थोड़ा सा और दोस्तों फिर पहुँच गए। पता नहीं ऊपर चढ़ सकते कि नहीं, किधर से जाना है। ओह माय गॉड, कोहरा या क्लाउड कुछ भी बोलिए भाई साहब, नजारा एक झलक। हाँ शायद ऊपर चढ़ने होंगे मुझे,
बुद्ध भगवान की मूर्ति तक पहुंचने के लिए। वाह, व्यू पॉइंट उधर है, कितना अच्छा नज़ारा। देखिए भाई लोग, देखिए फाइनली आपका भाई ने कर दिखाया। भाई साहब आज बुद्ध पूर्णिमा है, देखिए बुद्ध का स्टैचू। मेरा बुद्ध पूर्णिमा यही हो जाएगा, हानोई में रहता तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे, लेकिन मैं मिस कर दिया हानोई। मैं आ गया साफा कुछ एडवेंचर करने, पहाड़ चढ़ने। तो देखिए I made it, man. Okay, thank you so much. Oh, wow. मुझे लगता है इस इलाके का सबसे बड़ा बुद्ध मूर्ति यही है, कम से कम 50 से 70 मीटर तो होंगे भाई, ब्रॉन्ज से बने हुए हैं। देखिए यार, लगता है चाइनीज लोगों ने बनाए या पता नहीं वियतनाम सरकार ने बनाए इसको। बहुत ही एकदम खूबसूरत नज़ारा। पूरे ब्रॉन्ज से बने हुए हैं और फ्लावर से डेकोरेटेड है, ये पूरे फ्लावर से डेकोरेटेड। नीचे बुद्ध पूर्णिमा का उतना जश्न देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी बुद्धिस्ट फ्लैग लगाए हैं तो मीटर अल्टीट्यूड। यार इंडो चाइना पेनिनसुला में सबसे ऊंचाई पीक बोल सकते हैं, वियतनाम लाओस और कंबोडिया मिला के यार इतना ऊंचाई पे चढ़े यार 3000 मीटर माने 3 किलोमीटर यार सी लेवल के अबोव, जो कि आप सापा भी नहीं देख सकते यार। देखिए और इन लोग अपना फ्लैग यहाँ लटका के रखे हैं। अब बढ़िया यार, इतना ऊंचाई पे चढ़ना यार, मैं खुद पहाड़ी इलाकों से होके भी मुझे पैर कांप रहा है यार अभी तक। क्या व्यू है यार, गजब का नजारा। इधर किधर चलना यार, समझ नहीं रहा है। Oh, train. Wow. Kya view hai yaar. Gajab ka nazara. Oh. Idhar kidhar chalna yaar. Samajh nahi raha hai. This is something different. Oh, train. देख सकते हो, ओ चिड़िया फिर से आ गए। यहाँ आने से आपको रास्ता भूलने का जरूरत नहीं है। देखिए हर जगह इस तरह के आपको ये मिलेंगे, बोर्ड मिलेंगे। ये क्वाइट कुछ चाइनीज से ये लग रहा है, देखिए पुराने फिल्मों में देखे होंगे।
वियतनाम और चाइना लगभग सेम आर्किटेक्ट है इनका, जो टेम्पल्स वगैरह है ना तो लगभग सेम ही है। ओ लैंटर्न देखिए, सबसे ऊंचाई वाले पीक पे चढ़ के अभी नीचे जा रहे हैं, धीरे धीरे भूख लगा हुआ है भाई, जितना पहाड़ चढ़े 2 घंटे में एकदम पेट एकदम ये हो गया, खाना सब कुछ हजम हो गया यार। हर समय ये होते रहता है इनका, क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन। ये देखिए, नेव quý khách phát hiện vật dụng dễ gây cháy nổ, ngòi lửa, tàn thuốc lá hay bất cứ nguy cơ cháy rừng nào, hãy nhanh chóng dập tắt và báo ngay cho nhân viên an ninh gần nhất. हर समय कोहरा लगभग रहता है यहाँ पे, कहते हैं कि आप लोग जब भी आएंगे तो गर्मी गर्म वाला कपड़ा पहन के आ जाना, क्योंकि यहाँ मौसम बदलता नजर आ जाता है, लगभग सूरज उतना देखने को नहीं मिलता, जो कि आपका जितना अच्छा से देखने का उम्मीद रखते हैं उतना नहीं अच्छा से देख पाओगे। यहाँ